राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आरएस मेंस के एग्जाम जो है उसको पोस्टपोन करवाने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं। धरना रात अभी रात है और यहाँ पे तीसरे दिन भी धरने पे अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांग को मनवाने के लिए लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि हमारी आरएस मेंस एग्जाम है वो 3 महीने का समय अतिरिक्त दिया जाए। ऐसे में ये साफ है यहाँ पे, अभी देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन संजय से आग्रह करूंगा दिखाएं कि यहाँ पे बाकायदा राम दरबार सजाया गया है और राम दरबार की आरती उतारी यहाँ पे उतारी गई है थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे आरोप है छात्राओं का भी, आरोप छात्र छात्राओं जो बैठे हैं अभ्यर्थी उनका आरोप है कि कुछ समय पूर्व पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा था, आठ तो लाठियां लेकर इनको डराने की और भगाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा मौजूद था, हम बात कर रहे थे सर थोड़ी देर पहले पुलिस द्वारा यहाँ पे जबरन कोशिश की हटाने की, क्या मामला था? जी देखो, लोकतंत्र में सर मुंडिया गिनी जाती है। हम विद्यार्थी इतनी ताकत में इतनी संख्या में कि पुलिस में हमारा कुछ नहीं कर सकती। हम पूरी रात मजबूती से डटे रहेंगे। हमारे साथ बड़ी संख्या में बहनें हैं, मातृशक्ति भी हमारे यहाँ साथ मौजूद है। और भजनलाल सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक, जब आपको इतने अधिक MLAs ने लेटर पैड पर लिख के दे दिया, आपसे कैबिनेट मंत्री ये मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस रामराज्य की सरकार को, इस शासन की सरकार को विद्यार्थियों की बात सुननी चाहिए और आरएस एग्जाम स्थगित करके आगे बढ़ाना चाहिए। आपके यहाँ से कुछ वीडियो रिलीज हुए हैं, जारी हुए हैं, उनमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रशासन यहाँ पे आया है थोड़ी देर पहले और उन्होंने उठाने की कोशिश की है आपको? जी बिल्कुल, प्रशासन यहाँ है, उन्होंने नोटिस भी चश्मा किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्णतः तानाशाही पे उतारू है। लेकिन हम हटने वाले नहीं है, हम यहाँ डटे रहेंगे, टिके रहेंगे और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे यहाँ हमें लटकाना पड़े, चाहे हमें गिरफ्तार करें, मुकदमे लगे, कुछ भी हो, हम सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे। अभ्यर्थियों ने साफ साफ चेतावनी देती है भजनलाल सरकार को कि चाहे मुकदमे खा लेंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजस्थान उत्तर पूर्व भारत में आता है और यहाँ की ठंड जो है बहुत तीखी होती है। हाल फिलहाल 8:30-9 बजे का लगभग समय हो चुका है, ठंड गिरना शुरू हो गई है, हल्की हल्की ओस भी गिर रही है। लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे बैठी हैं। देखिए अपने अपने सामान जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं और अपना बोरी बिस्तर भी लेके आए हैं, ओढ़ने बिछाने का सामान भी लेके आए हैं। देखिए यहाँ से टेंटों से भी व्यवस्था की गई है धरनार्थियों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब उसको जागना होगा। और अभ्यर्थी देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, वो गार्जियन हैं, अभ्यर्थियों के गार्जियन यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी उनके साथ धरने में शामिल हुए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार। सर कहाँ से पहुँचे, क्या नाम आपका बता दीजिए? मेरा नाम शंकर शर्मा है जी, शंकर भाई शर्मा, मैं बाबूनगर रहता हूँ। तो बच्चों की न्याय उचित मांग का समर्थन देने के लिए मैं इनके बीच में आया हुआ हूँ। इनकी बहुत जस्टिफाइड मांग है, शिक्षित वर्ग के बच्चे अगर इस प्रकार धरना दे रहे हैं, सर्दी में मर रहे हैं, तो ये हमारे सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत चिंतनीय और गंभीर और शर्मनाक विषय है। इनको इन बच्चों की मांग मांगनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर बच्चा अपने पूर्ण पढ़ के सिलेबस को पढ़ के और अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर सकता, हाईलाइट नहीं कर सकता, इसलिए इनका समय बढ़ा दिया जाएगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जमेंगे, मिलेंगे, क्योंकि इनको अपने अध्ययन अध्यापन का, इनका इनकी इनकी काबिलियत का टेस्ट करने का इनको पूरा मौका देना चाहिए, फिर इनका एग्ज़ाम देना चाहिए, ताकि हमारे देश के बच्चे एक अच्छे अधिकारी बने, हमारा देश राजस्थान विकसित हो और हमारे प्रांत के अंदर जो है ना वो विकास की प्रक्रिया तेज़ हो। मोदी जी का सपना यही बच्चे साकार करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। आपका कोई बच्चा यहाँ पे है धरने में? मेरा बच्चा UPSC क्वालिफाई कर चुका है और वो विजन IAS में पढ़ाता है, वो रैंकिंग में रह गया, उसके इंटरव्यू में 178 नंबर आए थे, राहुल शर्मा। आपको क्या लगा कि यहाँ पे धरना चल रहा है, आप पहुँचे हो यहाँ पे, आपका कोई बच्चा भी धरनार्थी में नहीं है, ना कोई RS की एग्जाम फाइट कर रहा, फिर भी आप इनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कुत्ते बिल्ली को भी मालूम है ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, मनुष्य को मालूम होना चाहिए ये सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये मनुष्यता का मेरा है। कुत्ते बिल्ली को मालूम है ये बच्चे मेरे, और अगर मैं मनुष्य होता हुआ इनको मेरा बच्चा नहीं मानता तो मैं मनुष्य नहीं हूँ। इसलिए मैं अच्छी बात कही, बच्चों को, इन बच्चों को आशीर्वाद देनूंगा और जब तक इन बच्चों का पूरी पूरी मांग पूरी नहीं होगी, मैं इनके माता पिता को भी आह्वान करूंगा, वो भी आंदोलन में सम्मिलित हों और आए और शरीर और जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी मैं इनके साथ रहूंगा। अगर मुझे आमरण अंचल पर बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा, मैं इनके कदमों पे मेरी लाश जाएगी तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरा जीवन सफल हो गया इन बच्चों की अभिलाषा पूरी करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पे बुजुर्ग पहुंचे हैं निस्वार्थ, इनका कोई अभ्यर्थी बच्चा यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं है, फिर भी यहाँ पे बच्चों को अपना मानते हुए इनके माता पिताओं से, परिजनों से आह्वान किया है कि वो भी यहाँ पे धरने में शामिल हो और आंदोलन को एक मूर्त रूप दें। तमाम जो है यहाँ पे अभ्यर्थी है, RS मेंस पोस्टमैन के नारे लगाए जा रहे हैं। पीछे ये देखिए महिलाएं हैं, एक वो भी पहुंची है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम सबसे पहले आपका नाम बताओ और कहाँ से आए आप? मैं धौलपुर से आई हूँ। क्यों आए हैं आप? मेरे बच्चे अनशन पर बैठ रहे हैं। कौन सा बच्चा?
बच्चे हैं, सभी मेरे तो बच्चे हैं, यही एक बच्चे मतलब अपना ही बच्चा नहीं है, सभी बच्चे हैं। तो आपका बच्चा तो होगा कोई यहाँ पे? मेरा बच्चा भी है लेकिन मेरे इस टाइम तो सभी बच्चे हैं। ठीक है, आप क्या मांग कर रहे हैं बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए? बच्चों की मांग है उनको पूरी कीजिए, जब उनको टाइम नहीं मिल रहा है पूरा तो उनको पढ़ने के लिए पूरा टाइम तो दीजिए। अभी रात हो चुकी है तो धरना स्थल लगातार चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है, अभी रात को क्या निकलेंगे वापस या धरना पे बैठेंगे? मैं अभी देखिए परिजन यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, परिजनों से पहले भी आह्वान किया गया था और अभी भी परिजन पहुंच गए हैं, 2 परिजन हमसे मिल चुके हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं धरना स्थल पर, क्योंकि धरना स्थल पर लगा तमाम जो प्रांत के जो अंचल है वहाँ से पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए रजाई और गद्दे की व्यवस्था वगैरह की गई है टेंटों से, ये जो अभ्यर्थी हैं वो धरने स्थल में बैठे हैं। मैं देखो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा आपको, साफ देख सकते हैं इन्होंने शुरुआत में 9 जनवरी को जब धरना शुरू किया था तब सतबुद्धि यज्ञ भी किया था, आज इन्होंने बाकायदा राम दरबार के सामने फोटो के आरती महाआरती उतारी गई है यहाँ पे। अब जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी अपनी जगह ले रहे हैं अपने अपने। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे गद्दे बिछने शुरू हो गए हैं क्योंकि रात हो गई है और ठंड भी ज़्यादा हो रही है। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे देखिए आने का अभ्यर्थी मौजूद है। मुझे सर कहाँ से पहुँचे हैं आप यहाँ? मैं नागौर से। नाम क्या? धीरज। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि तीसरा दिन है, रात हो चुकी है, ठंड ज़्यादा है, देखो ऐसा है कि आरएस मेंस के लिए हमें 3 मंथ मिले हैं और टोटल 24 सब्जेक्ट हैं, अगर हम उन्हीं सब्जेक्ट को देखें तो एक सब्जेक्ट हम 2 या 3 दिन भी नहीं दे पाते हैं और इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2 या 3 मंथ और हमें मिल जाए ताकि हम प्रॉपर तैयारी करके मेंस दे सकें। जैसे UPSC के अंदर भी GS के 4 सब्जेक्ट होते हैं और लेकिन यह 24 सब्जेक्ट उसको कंपेयर करें इसको कंपेयर करें बोले कि उसके अकॉर्डिंग हम 3 मंथ दे रहे हैं लेकिन वहाँ का एक प्रॉपर कैलेंडर होता है। अगर ये चाह रहे हैं कि हम 3 मंथ आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें प्रॉपर आगे का कैलेंडर दे दें कि आपका मेंस इस तारीख को मेंस हो रहा है ले लो, आपका रिजल्ट इस तारीख को आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपका एंट्री उस टाइम होगा, अगला एग्जाम कैलेंडर भी हमारा आ जाए तो अगर आपका कैलेंडर प्रॉपर आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इस मेंस में अच्छा नहीं कर रहे अगले मेंस में कर लेंगे, लेकिन आप अभी हमसे मेंस ले लोगे अगले दो साल तक आप रिजल्ट भी नहीं दोगे, मतलब हम 26-27 के लिए फिर तैयारी करें, या तो हमें प्रॉपर टाइम बता दो कि आपका ये कैलेंडर है साल भर होगा, इस साल नहीं तो अगले साल कोई दिक्कत नहीं है। UPSC का विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ कैलेंडर होता है प्रॉपर और कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो जाती चीज़ें, मेंस फिक्स होता है, इंटरव्यू फिक्स होता है, उसका रिजल्ट फिक्स होता है, सब चीज़ें फिक्स होती है, या तो यहाँ फिक्स कर दो क्योंकि हर साल 18 में हुआ, 21 में हुआ और अब 23 में ये चीज़ें हो रही है और हमें हम मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं से उठ के आज पढ़े लिखे हैं प्रीलिम्स क्लियर किया तभी तो हम यहाँ आए हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कि हम यहाँ धरना दें, हम तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो हमारा ये ठंड हो चुकी है, धरना जारी है, कहाँ तक रात को यहाँ बिताएंगे या फिर? हम तो पूरी रात यहीं रहते हैं, पूरी रात इवन हमारे साथ में 4-5 बंदे जो अनशन पे हैं वो 2-3 तो अभी हॉस्पिटलाइज है, अभी आपके सामने एम्बुलेंस आई थी और 2-3 और बैठ रहे हैं और कल का प्लान है कि 10 बच्चे और यहाँ बैठेंगे, मतलब जब तक चीज़ें नहीं क्लियर होगी। भूख हड़ताल और अनशन पर बैठने का सिलसिला लगातार जारी है, आज यानी कल की बात करें बीती रात की तो 6 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे धरना स्थल पर भूख और हड़ताल और आमरण अनशन की बात कही थी और आज 2 यानी 8 बड़े हैं, अभी ये बता रहे हैं कि 10 कल और बढ़ने वाले, तो कहीं ना कहीं ये आमरण अनशन और भूख हड़ताल है वो जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अभ्यर्थी और भी खड़े हैं, सर कहाँ से पहुँचे, नाम क्या आपका? ओम प्रकाश सर, मैं बाड़मेर से आया हूँ। सर सबसे बड़ी बात है कि सर मैं ग्रेजुएशन जैसे ही फाइनल ईयर हुई लगा कि अब आरएस की तैयारी करनी है लेकिन कोई माहौल नहीं था आरएस की वैकेंसी का, पिछली वैकेंसी के इंटरव्यू चल रहे थे किसी को कोई पता नहीं था कब वैकेंसी आएगी, कोई कैलेंडर नहीं था, अचानक फ्री हुआ, फ्री हमने जैसे तैसे पास किया क्योंकि 3 महीने का टाइम मिला था, फ्री पास किया, फ्री पास करते ही 20 अक्टूबर को रिजल्ट आता है, 20 अक्टूबर को रिजल्ट आते ही ये 1 अक्टूबर फ्री होता है, 20 अक्टूबर रिजल्ट आता है पता लगा फ्री हो गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में उसी दिन मेंस की डेट दी जाती है पहले जिसका कोई पता नहीं था और सर लगातार 4 दिनों से जैसे हमारे भाई हम सब धरना दे रहे हैं सर इसका कोई संवेदनहीनता राजस्थान सरकार की, ये सर देखो पहले खुद कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो RPSC भंग करेंगे, भंग तो छोड़ो इन्होंने पूरे संस्था के तो बदलाव छोड़ो ये सिर्फ डेट पोस्टपोन करने के लिए तैयार नहीं है, सर क्यों ये जरूरत पड़ती है कि सर ये मतलब लगातार 1-2-3 हर बार भर्ती में धरने देने पड़ते हैं, तो कम से कम आप सिस्टम बना दो और पता तो करें चले कि कितने दिन का टाइम मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर 900 नंबर का एग्जाम होता है, 800 नंबर का मेंस है और पूरी वैकेंसी 3 साल चलती है, 3 महीने का टाइम इसमें दिया जाता है सर, कहीं से कहीं संस्थागत बदलाव करो और लगातार हमें इस परिवर्तन की उम्मीद थी हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही सर।
अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि जो 3 महीने की मांग इन्होंने की है एक्स्ट्रा समय देने की, वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है, तूल पकड़ रही है। अब 3रा दिन है, यहाँ पे राम दरबार की झांकी सजाई गई है, तस्वीर के सामने महाआरती उतारी गई है अभी, और महाआरती उतारने का उद्देश्य इनका ये रहा है कि कैसे ना कैसे जो सरकार है उसको सद्बुद्धि आवे। और मैंने बताया कि यहाँ पे परिजनों से भी आह्वान किया गया है कि जो पेरेंट्स हैं अभ्यर्थियों के वो पहुँचे यहाँ पे और बच्चों के साथ आंदोलन में शरीक होकर आंदोलन को बुलंद करें, आवाज़ दें। क्योंकि मैं सुबह से या 3 दिन से जब से यहाँ पे ये धरना शुरू हुआ तब से हम दिखा रहे हैं, लगातार कवरेज हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से धरनार्थी हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे अभ्यर्थी हैं, वो किस कड़ाके की ठंड में भी लगातार अपने धरने को अनवरत जारी रख रखे हैं, और टेंटों से अपने लेवल पर अपने खर्चे की बेस पर ही उन्होंने यहाँ पे सारी व्यवस्था की है। खाने पीने की बात कर लें, रहने उठने सहने की बात कर लें, बैनर स्पोर्ट्स छपवाने की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब जो सरकार है बदलना सरकार, वो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा बदलना सरकार को। अब जब जाके जब ये बुलंद हो रहा है लगातार, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पेरेंट्स भी पहुँचने लगे हैं, तो ये साफ है कि अब बदलना सरकार जो है कहीं ना कहीं सोचने मजबूर होगी, और इनको उम्मीद है कि इनकी बात को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से लेते हुए मांग मानी जाएगी। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप रावत, नगरी मीडिया जयपुर।